हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मोर टेक विथ पीएस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंडेक्स बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस बेल आइकन, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एमएस वर्ड ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पास आपको स्केल का ऑप्शन दिख रहा है। या तो आप इससे पूरा या मार्जिन को पूरा लास्ट तक के कर दीजिए, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं स्केल से कर दिया हूँ। अगर अगर आप मैनुअली इस साइड से करना चाहते तो देखिए आपको लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद साइज में जाना है, साइज में मोर पेपर साइज में जाना है। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन का ऑप्शन दिख रहा है। मार्जिन का ऑप्शन में यहाँ सबको आपको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सबको आपको क्या करना है, 0-0 कर देना है। 0-0 करने के बाद ओके कर देंगे तो आपका जो कर्सर है ये लास्ट तक के एकदम देखिए कॉर्नर तक के आ जाएगा। ठीक, अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद एक तो शेप ले लेते हैं, चलिए इस तरीके से एक तो बॉक्स टाइप का शेप ले लेते हैं। यहाँ पर शेप ले लीजिए। ठीक है, अब इसको पहले सबसे पहले देखिए, जब इसको लेंगे तो एक तो शेप फॉर्मेट का एक तो ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ खुलने के बाद देखिए ये ब्लू कलर में, इसको आप पहले व्हाइट में कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक कीजिए बॉक्स के अंदर। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐड टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, इंडेक्स। इंडेक्स टाइप करें। अब इंडेक्स टाइप करने के बाद इसका साइज बढ़ा दें। इसको साइज बढ़ाने के लिए इसको पहले सिलेक्ट कर लें, फिर से होम में आए। होम में आने के बाद देखिए यहाँ पर साइज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पहले साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर लें, और इसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर लें, और यहाँ लाइन डालना चाहते हो लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने के बाद यहाँ पर देखिए एक तो बॉर्डर दिख रहा होगा। इसको बॉर्डर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लिक कीजिए, शेप और फॉर्मेट ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, नो आउटलाइन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको हम लोग को बनाना है नेम। अब यहाँ पर नेम लिखने के लिए सेम इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाइए, शेप में फिर यहाँ पर इस साइड ले लीजिए। इस देखिए आप कर्सर से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होती है आपको एडजस्ट करने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो इसको जैसे अब नेम, अब इसको फिर से इसको व्हाइट में कर देते हैं। अब ऐड टेक्स्ट करते हैं। ऐड टेक्स्ट में इसको लिख देते हैं नेम। नेम लिखने के बाद इसको भी साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर आपका नीचे थोड़ा सा कट होता है तो इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से बोल्ड थोड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ तक के एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप फिर से इसका आउटलाइन को निकाल दीजिए। आउटलाइन निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और लंबा तक के ऐसे ले जाइए। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक के। अब इसको ले जाने के बाद देखिए जो नेम है इसको थोड़ा सा बैक कर दीजिए, यहाँ तक के आ गया। इसको एडजस्ट थोड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक के ले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा डॉट डॉट करके यहाँ पर डाल देना है, यहाँ तक के इतना तक, जैसे नेम लिखने के लिए यहाँ तक के आप डॉट डॉट करके डाल दिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा, तो क्लास भी लिख देते हैं। सेम आपका एक ही बॉक्स में सब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्लास लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा इसको करना है, फिर इसमें सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख लिए, अब फिर से इसमें डॉट डॉट कर दीजिए, और डॉट करने के बाद आपको सबसे थोड़ा सा इसमें डबल डॉट डाल देते हैं तो इससे और अच्छा लगेगा। अब देखिए ये एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। अब ये करने के बाद आपको इंसर्ट में आना। इंसर्ट में आने के बाद आपको 5 रॉ लेना है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5, देखिए यहाँ पर पहले कर्सर क्लिक कीजिए। कर्सर क्लिक करने बाद पहले इसका आउटलाइन को तो हटा देते हैं। आउटलाइन हटाने के लिए फिर सेम शेप फॉर्मेट में आइए, अब यहाँ पर नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से कर्सर लाने के लिए डबल क्लिक करना है। कर्सर यहाँ आ गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट में आने के बाद टेबल ले लेते हैं। तो आपको 5 कॉलम तक के ले लेना, अब आपको पूरा लास्ट तक के ले जाना है। ठीक है, अब लेने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आप लास्ट में कर्सर रखिए और आपको टैब का बटन टैब करेंगे तो आपका ये जो
रो कॉलम है बढ़ते जाएगा, ये पूरा लास्ट तक की आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट जितना पेज है उतना तक के आपको यहाँ तक के टैब प्रेस करना है, टैब से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज में गया, अब इसको बैक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तक कि आपका जो टैब है ये आ चुका है, ठीक है। अब आपको इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और यहाँ तक इसको यहाँ तक कैसे ले आते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको कर्सर रखना है, देखिए इस साइड यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन बनेगा। लाइन बनने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको पास ले आइए, पास ले आते हैं इसको। अब इसको भी थोड़ा सा इसमें पास ले आते हैं, इसको फिर से देखिए बीच में देखिए डबल लाइन बन रहा होगा, देखिएगा इसको भी हल्का से यहाँ पर से यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ भी वैसे करना है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से यहाँ तक के और यहाँ तक के ले आते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट बॉक्स में आना है, कॉलम में इधर, अब यहाँ पर आपको लिखना है डेट, डेट इसको थोड़ा सा बीच में कर दीजिएगा स्पेस करके। अब यहाँ पर आपको लिखना है टॉपिक, टॉपिक भी लिख दिए, अब यहाँ पे स्पेस करके इसको एकदम बीच में कर दीजिए। अब आपको लिखना है पेज नंबर, पेज नंबर भी लिख दिए। अब यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ आपको सिग्नेचर लिख देना है, सिग्नेचर। अब ये लिखने के बाद आपको थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, तो इसमें आपका हाइलाइट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। डेट में भी ऐसे कर दीजिए और टॉपिक में भी हाईलाइट बोल्ड कर देते हैं, जिससे क्या होगा ये आपका शो अच्छे से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इंडेक्स बना सकते हैं A4 साइज में MS वर्ड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।